हेलो मैम, आज से आप सभी के लिए एक विशेष पहल। ये पहल है सामान्य अध्ययन से जुड़ी हुई। यूपीपीएससी हो, आईएएस का एग्जाम हो या आरओआरओ का हो, यहाँ पे सामान्य अध्ययन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। देखा जाए तो इसके कई सारे पेपर हैं जिसके बारे में आपको प्री ओरिएंटेड और मेंस ओरिएंटेड तैयारी करनी होती है, और कई ऐसे टॉपिक होते हैं जो लगातार आपको हर दूसरे तीसरे वर्ष यहाँ से पूछे जाते हैं। तो हम लेकर आ रहे हैं जीएस बूस्टर सीरीज, जिसके माध्यम से यहाँ पर हम ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को लेकर आएंगे जो कि आपकी परीक्षा में पूछे जाने की संभावना सबसे ज्यादा रहती है, और यहाँ पर आपके आए हुए प्रश्न अब आपसे गलत नहीं होंगे। तो इसी के ध्यान में रख के आप मेरे साथ यहाँ पे जुड़िए जीएस बूस्टर सीरीज में, और इस सीरीज को यहाँ पर रेगुलर फॉलो करना है। इसमें मैं हर एक विषय वस्तु को लेकर पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, 4, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, एनवायरमेंट, आईआर, साइंस, टेक, आपका जुड़े सोशल इशू, सरकारी योजनाएं, जो भी पहलू हैं जो कि प्रारंभिक परीक्षा में या मेंस की परीक्षा में पूछे जाते हैं, जरूरी पहलू हैं, आपसे लगातार रिवीजन के पर्पस से जरूरी हो जाते हैं, हम उनको यहां पर डिस्कस करेंगे। ऐसे ही कम से कम हम वीक में ऐसे दो वीडियो लेकर आएंगे जिसमें कुछ जीएस के इंपॉर्टेंट टॉपिक हो सकते हैं, और उन टॉपिक्स का यहां पर हम रिवीजन करेंगे। आपका बस ये काम है, एक तरीके से आपके लिए टारगेट है कि सामान्य अध्ययन के हम 2024 के सिलेक्शन में इन टॉपिक्स का किस तरीके से उपयोग करेंगे। 2024 के एग्जाम में देखिए आईएएस पीसीएस जो भी यहां पर हैं, यहां पर आपके पास कम से कम 10 महीने हैं, और इन 10 महीने में कम से कम मैं ऐसे आपको 100, 200, 250 यहां पर वीडियोस दे दूंगा, और जिनके माध्यम से आपको देखा जाए तो कम से कम हर वीक में अगर दो की बात करें तो मंथली मैं आपको ऐसे 8 से 10 वीडियो दूंगा, और 10 महीने में कम से कम ऐसे 100 वीडियो टारगेटेड होंगे, और 100 यहां पे जीएस के टॉपिक जो कि एग्जाम के लिए जरूरी है। तो बस आपको करना कुछ नहीं है, बस मेरे साथ यहां पर इस वीडियो सीरीज को रेगुलर फॉलो करना है, और आपको जो टारगेट्स दिए जाएंगे उसको अचीव करना है। तो चलिए आज हम यहां पे प्रारंभ करते हैं। आज का हमारा पहला टॉपिक क्या है? पहला टॉपिक हम पहले जीएस पेपर से उठाते हैं, और पहला जो जीएस पेपर है वो है आपका जिसमें इतिहास आता है। इतिहास में देखे जाए तो कई सारे पार्ट हैं, जिसमें एक आता है आर्ट एंड कल्चर आता है, और आर्ट एंड कल्चर को जब आप पढ़ने बैठते हैं तो वहां पर कई सारे सब टॉपिक्स आते हैं, जिसमें से एक टॉपिक आपको आता है स्थापत्य। स्थापत्य वास्तुकला जो है वो लगातार आपके एग्जाम में आईएएस और पीसीएस में पूछे गए हैं, आरओआरओ के एग्जाम में पूछे गए हैं, और ऐसा आपको पिछले 5-6 सालों का आप एनालिसिस करें, प्री और मेंस का दोनों का एनालिसिस करें, तो आपको हर दूसरे साल ये आपको मिलते दिखाई दे रहे हैं। इसलिए इस टॉपिक का हम यहां पर अपने इंपॉर्टेंट जीएस बूस्टर सीरीज में ये पहला टॉपिक मैंने रखा है जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत जरूरी हो जाता है। तो चलिए यहां पर देखते हैं आज का अपना पहला टॉपिक क्या है। देखिए पहला टॉपिक जैसे मैंने कहा मंदिर वास्तुकला है, हम मंदिर वास्तुकला के बारे में यहां पर पढ़ने जा रहे हैं। बस आपको ध्यान से जो भी 10-15 मिनट देने हैं वो आप मेरे साथ जुड़िए, की पॉइंट्स यहां पर क्या हैं उनको देखते चलिए, और मंदिर स्थापत्य से जुड़े हर पहलू को ध्यान दीजिए। सबसे पहली चीज देखिए, मंदिर वास्तुकला होती क्या है, आपसे सवाल जवाब दोनों की श्रेणी में हम चलते रहे, ठीक है। मंदिर वास्तुकला क्या है? देखिए मंदिर जो होती है निर्माण की शैली, ठीक है, कैसे बनाया गया, क्या ढांचा है, क्या डिज़ाइन है, क्या पत्थर यूज़ किए गए, किस तरीके की संरचना है, आपको इन सारी चीज़ों से जुड़ी हुई एक कह सकते हैं स्थलाकृति, एक यहाँ पे संरचना। मंदिर रचना की बात करें तो यहाँ पर देखा जाए तो मंदिर निर्माण की जो प्रक्रिया का आरंभ हुआ वो आप मौर्य काल से देख सकते हैं, ठीक है। मौर्य काल से मंदिर निर्माण की प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी थी, और आगे चलकर देखा जाए तो गुप्त काल तक आते आते आप मंदिरों की विशेषताओं को आप ज़्यादा बेहतर तरीके से, ज़्यादा डिज़ाइनफुल हैं, ज़्यादा यहाँ पर बेहतर आपकी संरचना आपको देखने को मिलती है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, मंदिरों की विशेषताएं आपको बदलती रहती हैं, अलग अलग जगहों पे मंदिरों को बनाने की भारत में अलग अलग शैलियाँ रही हैं। जैसे कि यहाँ पे कुछ संरचनात्मक मंदिरों को हम देखें तो यहाँ पर जो सामग्री प्रयोग की गई, कुछ जगह पर देखा जाए तो मंदिर में को चट्टानों से काटकर बनाए गए, ठीक है। जैसे आप महाबलीपुरम का रथ मंडप जो 5वीं शताब्दी में बनाया गया वो इसका एक महत्वपूर्ण उदाहरण है। इसी तरीके से गुप्त काल जो मंदिर रहे, गुप्त काल के मंदिरों के अगर हम आकार पर नजर डालें तो ये कैसे हैं, बेहद छोटे हैं, वर्गाकार चबूतरा इसमें आपको देखने को मिलेंगे, ईंट का यहाँ पर ईंट है जिस पर यहाँ पर चढ़ने के लिए यहाँ पर सीढ़ी है, और बीच में चौकोर कोठरी है जो गर्भगृह का आपको काम करती है। तो यहाँ पर ये अपनी विशेषता है गुप्तकालीन मंदिरों की, छोटे हैं, ईंटों से बने हुए हैं, गर्भगृह बीच में है, सीढ़ियाँ बनाई गई हैं, ये गुप्तकालीन मंदिर की विशेषता है। इसी तरीके से देखा जाए तो कोठरी बनी है, और कोठरी की जो छत बनाई गई है वो कैसी बनाई गई है, आपको सपाट बनाई गई है।
और अलग से कोई प्रदक्षिणा पद भी आपको इसमें देखने को नहीं मिलता है। तो मंदिर की जो वास्तुकला है कैसे बने हुए हैं उसकी हर एक छोटी छोटी डिटेल्स के बारे में। अगला देखिए, मंदिरों के बारे में जब आप पढ़ने जाएंगे तो मंदिरों के शैली में कई सारे पहलुओं को ध्यान रखना जरूरी हो जाता है। प्रारंभिक परीक्षा में आपको मंदिरों के प्रकार, अवस्थिति, किस समय बना, उनकी संरचना, ऐसे कई सारे प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। चलिए देखते हैं प्रारंभिक दौर के मंदिरों के बारे में। प्रारंभिक दौर की बात करें कि जो भारत के सबसे प्राचीनतम मंदिरों की संरचना है वो कौन कौन से मंदिर हैं, तो प्राचीनतम में देखिए एक आता है तिगवा का विष्णु मंदिर। ये कहाँ स्थित है तो ध्यान रखिएगा, मैपिंग भी आप इसकी कर सकते हैं, एक मैप लेकर इसको आप इंगित कर लीजिए, जैसे जबलपुर मध्य प्रदेश में है। इसी तरीके से भूमरा का शिव मंदिर है जो कि सतना मध्य प्रदेश में है। नचना कुंवर कुठार का पार्वती मंदिर है जो कि पन्ना मध्य प्रदेश में है। देवगढ़ का दशावतार मंदिर है जो कि ललितपुर यूपी में है। भीतर गांव का यहां पर मंदिर है जो कि कानपुर यूपी में है। तो ये भारत के प्राचीनतम मंदिरों में से एक है। इसके अलावा मंदिर स्थापत्य के कई अन्य नाम भी हैं, जैसे पंचायतन, भूमि, विमान, भद्ररथ, कर्णरथ, प्रतिरथ आदि। यहां पर देखे जाएं तो प्राचीन ग्रंथ हैं जहां पर आपको मंदिर स्थापित संबंधी आपको नाम और अन्य तरीके की जानकारी मिलती है। छठी शताब्दी तक आते आते अगर आप देखें, छठी शताब्दी ईस्वी तक उत्तर और दक्षिण भारत में मंदिर वास्तुकला शैली को लगभग एक समान देखने को मिलती है, लेकिन छठी शताब्दी के बाद अगर हम देखें तो ये आपको चेंज हो जाता है। अर्थात मंदिर निर्माण की शैली जो है साउथ में और नॉर्थ में छठी शताब्दी के बाद यहाँ पे परिवर्तित होने लगते हैं। वहाँ पे अलग अलग विशेषताओं से युक्त आपको ये मंदिर देखने को मिलते हैं। आगे चलकर देखा जाए तो ब्राह्मण हिंदू धर्म के मंदिरों के निर्माण में तीन प्रकार की आपको शैलियों का विकास किया गया, जिसे हम आज वर्तमान समय में नागर, द्रविड़ और बेसर शैली के नाम से जानते हैं। हम इन्हीं नागर, बेसर और द्रविड़ शैलियों के बारे में, इनके मध्य किस तरीके के अंतर हैं, इनके मध्य किस तरीके के या कह सकते हैं इनकी क्या विशेषताएँ हैं, और साथ ही साथ जो मंदिर जो संरचना है, वास्तुकला है, वो भी आपको देखेंगे। चलिए इसमें देखिए जो मंदिर स्थापत्य है भारत के संदर्भ में, तो यहाँ पे देखिए कुछ नागर शैली से हैं, कुछ द्रविड़ शैली से हैं और कुछ बेसर शैली से हैं। नागर शैली की बात करें तो इसमें कुछ उपशैलियाँ आती हैं। इसमें आती पॉल उपशैली, ओडिशा उपशैली, खजुराहो उपशैली और सोलंकी उपशैली। इसी तरीके से द्रविड़ में देखा जाए तो इसमें आते हैं पल्लव उपशैली, चोल उपशैली, पांड्य उपशैली, विजयनगर उपशैली और नायक उपशैली। ये उपशैलियाँ अर्थात मंदिरों के निर्माण के संदर्भ में यहाँ पे जो विभिन्नताएं हैं आपको देखी जाए तो सारी द्रविड़ हैं, लेकिन उनमें भी आपको हर एक शासनकाल में कुछ अलग तरीके के मंदिरों का निर्माण किया गया जो कि वहाँ पर उपशैली के रूप में वर्गीकृत किए गए हैं। इसी तरह बेसर में देखें तो राष्ट्रकूट, चालुक्य, काकतीय और होयसल यहाँ पर इनकी उपशैलियाँ हैं। एक मैप यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहूँगा जो कि भारत में अलग अलग मंदिरों के बारे में यहाँ पर आप देख सकते हैं। देखिए यहाँ पर आपको भारत की, जैसे कि हमने मंदिर की बात की, जैसे दशावतार मंदिर है, ये मैपिंग की जो मैं आपसे बात कर रहा था कि आप मैप बना सकते हैं। मैपिंग जो होगी आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से रिवीजन के टाइम आपको काफ़ी आसान रहेंगे। जैसे कुछ क्षेत्रों के नाम यहाँ पे, दशावतार मंदिर है, 64 योगिनी मंदिर है, दिलवारा मंदिर है और मोढेरा सन टेम्पल यहाँ पर है। तो मोढेरा देखिए सन टेम्पल आपको गुजरात में है। राजस्थान में आपको देखिए दिलवारा टेम्पल है जो कि 12वीं शताब्दी में बनाया गया। 64 योगिनी जो टेम्पल यहाँ पर है वो आप देख सकते हैं कि एमपी में है जो कि 9 से 11वीं शताब्दी में बनाया गया। दशावतार मंदिर यहाँ पे 5वीं शताब्दी में बना जो कि यहाँ पर देख सकते हैं आपको यूपी में है। इसके अलावा आप यहाँ पर देख सकते हैं केंद्रीय महादेव टेम्पल यहाँ पर, कंदरिया महादेव मंदिर है आपका और लक्ष्मण टेम्पल है, दोनों ही आपको जो है मध्य प्रदेश में आपको पाए जाते हैं जो कि 11वीं और 10वीं शताब्दी में बनाए गए। इसी तरीके से यहाँ पे कामाख्या टेम्पल है जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं आसाम में स्थित है। इसी तरीके से यहाँ पे आप उड़ीसा के क्षेत्र में देख सकते हैं काफ़ी सारे अलग अलग आपको मंदिर हैं। लिंगराज टेम्पल है 10वीं 11वीं सेंचुरी में बनाया गया। फिर आपको मुक्तेश्वर टेम्पल है 10वीं शताब्दी में, कोणार्क सन टेम्पल है, जगन्नाथ टेम्पल है और राजरानी टेम्पल है। ये सभी कहाँ उपस्थित हैं, उड़ीसा में हैं। इसी तरीके से यहाँ पे आप देख सकते हैं आंध्रा में आपको अरसरावल्ली सन टेम्पल आपको पाया जाता है।
एक यहाँ पे देखा जाए तो कर्नाटक में आपको काफ़ी सारे आपको मंदिर देखने को मिलते हैं, जिसमें आप देख सकते हैं विट्ठल स्वामी टेम्पल है आपका, इसके अलावा लैड खान टेम्पल, बदामी केव, दोदा साहब टेम्पल है, विरूपाक्षा है, होयसल है और चिन्नेश्वरा टेम्पल, ये सारे आपको कर्नाटका में देखने को मिल जाते हैं। इसी तरीके से कुछ टेम्पल आपको आंध्र प्रदेश में और है, वेंकटेश्वर टेम्पल है, बाकी आपको तमिलनाडु में ऐसे ही काफ़ी सारे टेम्पल देखने को मिलते हैं, कैलाशनाथ शोर और कह सकते हैं बृहदेश्वर मंदिर हो गया, मीनाक्षी टेम्पल हो गया, ये सारे के सारे टेम्पल आपको तमिलनाडु में है। अब यहाँ पे देखिए, जो मेरे बताने का मतलब था, इन टेम्पल्स के नाम जरूर मैं बता रहा हूँ, लेकिन मेन जो फोकस आपको करना है इस मैप पे, आपको जब भी आप जीएस की स्टडी करते हैं, जीएस की स्टडी करने के दौरान आप इस तरीके के काम जरूर करते चले, थोड़े से क्रिएटिव होकर स्टडी को करें। यहाँ पे आप जब टेम्पल्स के बारे में पढ़ रहे हैं तो कौन से टेम्पल कहाँ है, कई बार ये सिर्फ आपको मिलान करने वाले जैसे क्वेश्चन आ जाते हैं, एक तरफ टेम्पल के नाम दे दिए, दूसरी तरफ उनकी उपस्थिति दे दी गई, तो यहाँ पे जब आप मैपिंग के थ्रू किसी चीज़ को याद करेंगे ना, ये आपके लिए काम आसान कर देगा। तो आई होप मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी, इस काम को जरूर अपने स्तर पर भी यहाँ पे कर लेना है। चलिए आते हैं अपने अगले टॉपिक पर। देखिए अगला यहां पे है मंदिरों की स्थिति, उनकी बनाई गई संरचना और विशेषता के आधार पर, जैसे कि कुछ मंदिर गोलाकार ईंट इमारती लकड़ी के मंदिर बने हैं। स्थल देखा जाए तो ऐसे मंदिर आपको बैराट जिला में देखने को मिलते हैं, जो कि तृतीय शताब्दी ईसा पूर्व में देखने को है बनाए गए हैं। सांची का मंदिर 40, सांची के मंदिर 18 की स्थिति देखें, ये राजस्थान में और साथ ही साथ यहाँ पे देखा जाए तो मध्य प्रदेश में देखने को मिलते हैं, जो तृतीय और द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व बनाए गए। इसी तरीके से प्राचीनतम जो संरचनात्मक मंदिर आपको देखने को मिलता है वो सांची में ही देखने को मिलता है, चौथी शताब्दी ईसा पूर्व। सांची का एक मंदिर 17 में यहाँ पर आपको ऐहोल कर्नाटक में देखने को मिलता है। लड़खन मंदिर जो है वो आपको सांची मध्य प्रदेश में 5वीं शताब्दी ईसा ईस्वी सन का है, और दुर्गा मंदिर जो है ऐहोल कर्नाटक 550 ईस्वी सन के हैं। तो इन मंदिरों के अलग अलग समय के जो प्राचीनतम भारत के मंदिरों की सूची में यहाँ पर आप इनको देख सकते हैं। अब आते हैं जो मंदिरों की शैलियों के बारे में एक एक करके, नागर, द्रविड़ और बेसर शैली क्या है। सबसे पहले देखिए यहाँ पे नागर जो शब्द है ये नगर से बना है, ठीक है, नागर जो शब्द है ये नगर से यहाँ पर आपको मिलकर बना है। और सर्वप्रथम अगर हम देखें जो नगर की बात यहाँ पर की गई है, नगर के निर्माण होने के कारण इसे नागर शैली कहा गया। तो नगरों के निर्माण की प्रक्रिया के संदर्भ में बनाए गए जो आपके मंदिर हैं उन्हें हम नागर शैली कहते हैं। स्थापत्य की बात करें तो ये संरचनात्मक मंदिर स्थापत्य एक शैली है नागर शैली, जो हिमालय से लेकर विंध्य पर्वत के क्षेत्रों तक मुख्यतः आपको प्रचलित पाई जाती है, ठीक है। तो मुख्यतः आप कहाँ कह सकते हैं, उत्तर भारत की है नागर शैली आपकी, कहाँ की है मूलतः आपको देखा जाए तो उत्तर भारत में आपको विकसित ज़्यादा है, इसके मंदिर आपको देखने को मिलते हैं। इसी तरीके से समयावधि की बात करें तो 8 से लेकर 13वीं शताब्दी के बीच ही उत्तर भारत में मौजूद शासक वंशों ने इसे पर्याप्त यहाँ पे संरक्षण दिया नागर शैली को। नागर शैली की पहचान और विशेषताओं की अगर आप बात करें तो यहाँ पे देखिए इनकी जो छत है वो समतल होती है, ठीक है, समतल छत से उठती हुई, शिखर की प्रधानता इनमें आपको पाई जाती है, साथ ही इसमें देखे जाए तो अनुप्रस्थिका एवं उत्थापन समन्वय भी यहाँ पर आपको स्थिति, या कह सकते हैं इसे आप उत्थापन, जो धीरे धीरे आपको नीचे से ऊपर की ओर यहाँ पर आते हैं तो उत्थापन और अनुप्रस्थिका की स्थिति भी इसे कहा जाता है। नागर शैली के आधार से शिखर जो होता है, ठीक है, जब हम आधार से धीरे धीरे शिखर की ओर यहाँ पे आते हैं तो ये कैसा होता है, चतुष्कोणीय हो जाते हैं। साथ ही देखा जाए मंदिर की ऊंचाई में आपको टोटल 8 भाग बनाए जाते हैं। कितने भाग बनाए जाते हैं, 8 भाग यहाँ पे आपको बनाए जाते हैं। ये सब छोटे छोटे की पॉइंट हैं, रिविजन के पर्पज से हैं, बस ध्यान रखना है। और इनके नाम भी होते हैं सभी के, जैसे कि मूल जो कि आधार होता है, उसके बाद आता है गर्भगृह जिसे मसरक या नींव और दीवारों के बीच के भाग की स्थिति होती है, तीसरा यहाँ पे जंघा है जिसे हम दीवार कहते हैं, चौथा कपोत है जो कि यहाँ पे कार्निस होता है, उसके बाद शिखर आता है, शिखर के बाद यहाँ पे गल जिसे हम गर्दन कहते हैं, फिर यहाँ पे देखा जाए तो एक वर्तुलाकार यहाँ पे आमलक आता है, उसके बाद फिर कुंभ आता है जो कि शूल सहित यहाँ पे कलश रखा रहता है। तो इस तरीके से यहाँ पर ये नागर शैली के मंदिर बनाए जाते हैं।
इस शैली में देखे जाए तो कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सी मंदिर जो है नागर शैली में बने हैं। तो यहाँ पे देखिए, उड़ीसा का कलिंग, गुजरात का लाट और हिमालयी क्षेत्र के पर्वती यहाँ पर आपको देखा जाए तो इसके अलग अलग नामों से भी हम जानते हैं। ठीक है, तो नागर शैली को उड़ीसा में क्या कहते हैं? कलिंग शैली। गुजरात में इसे लाट कहते हैं और हिमालय क्षेत्र में इसे हम पर्वती कहते हैं। ये एक मैं आपको दिखा भी देता हूं, एक मंदिर जो कि नागर शैली का एग्जाम्पल है। यहां पर आप देखिए, ये आपको इनका आधार क्षेत्र है जो कि यहां पर आप देख सकते हैं। उसके बाद ये धीरे 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 ये ऊपर की तरफ जाता है। यहां पर सबसे ऊपर, जैसे हमने कहा, सबसे ऊपर यहां पर कलश, जो कि यहां पर एक झंडे नुमा आकृति और कलश यहां पर होता है। उसी के नीचे यहां पर आपको देखा जाए तो यहां पर कलश है, ऊपर ध्वज रखा हुआ है। यहां पर देखिए, इसके नीचे वाला ये वाला जो पार्ट है यहां पर आपका, ये आमलक कहलाता है। आमला के जस्ट नीचे यहाँ पर आपको थोड़ा सा जो भाग है वो आपको गर्दन नुमा दिखा, ग्रीवा कहा गया है। इसके अलावा ये शिखर की स्थिति है, उरुगुंग यहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं। बीच में यहाँ पे थोड़ा सा आपको अंतराल देखने को मिलेगा। फिर यहाँ पे ये महामंडप की स्थिति होती है, फिर उससे छोटे आपके अर्थ मंडप की एक स्थिति देखने को मिलेगी। ये वाला जो एरिया यहाँ पर आप देखने को मिलते हैं, इसे हम कपोत यहाँ पे कहते हैं। दीवारों की जो स्थिति, इसे जंघा यहाँ पे आपको कहा जाता है। ये आपको जगती या अधिष्ठात के हैं। इसके साथ साथ बीच में यहाँ पर आप गर्भगृह की स्थिति और गवाक्ष भी आपको देख सकते हैं। तो ये एक आपको नागर शैली की विशेषता से युक्त आपका मंदिर है। इसके बाद देखिए, आती है दूसरी शैली। दूसरी शैली कौन सी है? दूसरी शैली आपकी द्रविड़ शैली है। द्रविड़ शैली की हम बात करें तो कृष्णा नदी से लेकर कन्याकुमारी तक एरिया ध्यान रखिएगा। कृष्णा नदी से लेकर कन्याकुमारी तक आपको द्रविड़ शैली के मंदिर मुख्यतः पाए जाते हैं। द्रविड़ की शैली की जो शुरुआत हुई, कब से हुई, तो इसको ध्यान रखिएगा, 8वीं शताब्दी से यहाँ पर होना शुरू हो गई थी। और सुदूर दक्षिण भारत में इसकी दीर्घजीवता जो है वो करीब 18वीं शताब्दी तक चली। कहने का मतलब 8 से लेकर 18वीं शताब्दी तक इसकी प्रक्रिया आपको लगातार द्रविड़ शैली के विकास देखने को मिला। विशेषताएं क्या हैं? आप किसी भी मंदिर को देखेंगे तो कैसे पहचानेंगे द्रविड़ शैली में बना है? तो यहाँ पर जब भी आप कोई मंदिर को देखिए तो यहाँ पर देखिए प्रकार, अर्थात चार दीवारी, गोपुरम है प्रवेश द्वार पर, वर्गाकार या फिर आपको अष्टकोणी गर्भगृह होगा, रथ की एक स्थिति होगी, पिरामिड नुमा आपका शिखर होगा, मंडप देखा जाए तो यहाँ पे नंदी मंडप मुख्यतः बने होते हैं, और विशाल संकेंद्रित यहाँ पर प्रांगण होते हैं। एक तरीके का देखा जाए जो मंदिर होगा वो अष्टकोणी यहाँ पर आपको मंदिर होगा। तो ये मुख्यतः आपको जो मंदिर होगा द्रविड़ शैली का, वो इस तरीके से दिखेगा, अर्थात ये सारी विशेषताओं से वो युक्त होते हैं। इसके अलावा द्रविड़ शैली के जो मंदिर हैं वो बेसिकली कैसे हैं? बहुमंजिला हैं, अर्थात एक के बाद कई सारे फ्लोर आपको देखने को मिलते हैं। पल्लवों ने देखा जाए तो द्रविड़ शैली को जन्म दिया, चोल काल में इसने ऊंचाइयां हासिल की और विजयनगर काल के बाद से यहाँ पर देखा जाए तो इसका ह्रासमान देखने को मिलता है। तो स्टार्टिंग पॉइंट आप कह सकते हैं कौन सा है, आपको देखा जाए तो पल्लवों के द्वारा जो विकास हुआ चोल के समय और विजयनगर के पश्चात ह्रास इसका देखने को मिला है। चोल काल में देखा जाए द्रविड़ शैली की जो वास्तुकला में मूर्तिकला और चित्रकला दोनों का फिर संगम दिखाई देने लगता है। और यूनेस्को की जो विश्व विरासत सूची में आपको देखा जाए तो तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर, जो कि चोल शासक राजराज के द्वारा यहाँ पर 1000 वर्षों से पहले यहाँ पर आपको बनाया गया था, द्रविड़ शैली का यहाँ पर जीता जागता उदाहरण है। तो तंजौर का मंदिर जो है वो यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में भी शामिल है और तंजौर का जो मंदिर है वो द्रविड़ शैली में बना हुआ है, इस फैक्ट को ध्यान रखना है। इसके अलावा द्रविड़ शैली के अंतर्गत आपको देखा जाए तो नायक शैली का भी विकास हुआ, जिसके उदाहरण हैं मीनाक्षी मंदिर जो कि मदुरै में स्थित है तमिलनाडु, रंगनाथ मंदिर श्रीरंगम तमिलनाडु, और रामेश्वरम मंदिर ये भी आपको तमिलनाडु में स्थित है। ये आप देख सकते हैं द्रविड़ शैली का एक एग्जाम्पल। यहाँ पर देखिए आपका राजो एक गोपुरम की स्थिति है जो प्रवेश द्वार के तौर पर देखने को मिलता है। ये यहाँ पर आपको एक मंडप की स्थिति इस मंदिर की आपको दिखाई देती है। यहाँ पर ये मंदिर जो है बहुमंजिला, आप यहाँ पर आप देख सकते हैं मंदिर, और यहाँ पर देखिए जो विमान की स्थिति, इसको हम कहते हैं बहुमंजिला, यहाँ पर विमान की स्थिति है। ये फाइनली यहाँ पर आपको एक शिखर की स्थिति आपको देखने को मिलता है। इसके अलावा यहाँ पर एक ध्वज स्तंभ की भी आपको देखने की उपस्थिति मिलती है। तो ये पूरा यहाँ पर आपको निचला आपका सिरा यहाँ पर आपको मंदिर का है। तो इस तरीके से यहाँ पर आपको द्रविड़ शैली जो काफ़ी बड़े प्रांगण में यहाँ पर आपको बनाए जा रहे हैं उनकी स्थिति आप देख सकते हैं। इसके बाद लास्ट जो आती है वो है बेसर शैली। बेसर शैली की बात करें तो नागर और द्रविड़ शैलियों के मिले जुले स्वरूप को हम बेसर शैली कहते हैं, अर्थात
कुछ लक्षण इसमें आपको देखने को नागर शैली के मिलेंगे और कुछ लक्षण यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे बेसर शैली के। तो एक तरीके से मिला जुला स्वरूप है आपका बेसर शैली द्रविड़ और नागर का। इसमें अगर हम देखें ये उपस्थिति इसकी कहाँ पर है, तो विंध्याचल पर्वत से लेकर कृष्णा नदी तक आपकी जो स्थिति है वो बेसर शैली की है और इसे हम चालुक्य शैली के नाम से भी जानते हैं। बेसर शैली के जो मंदिरों का आकार है वहाँ पे आधार से शिखर तक की जो स्थिति है वो गोलाकार, वृत्ताकार, अर्धगोलाकार देखने को मिलती है। ठीक है, या तो गोलाकार होगी या अर्धवृत्ताकार होगी या वृत्ताकार होगी। इसके साथ साथ बेसर शैली के एग्जाम्पल के स्वरूप में आपको ध्यान रखना है वृंदावन का वैष्णव मंदिर जिसमें गोपुरम भी यहाँ पर आपको बनाया गया है। इसके साथ साथ देखें तो गुप्तकाल के बाद की अगर हम स्थिति को देखें तो देश में स्थापत्य को लेकर क्षेत्रीय शैलियों का तेजी से यहाँ पर आपको विकास होते हुए देखा गया, जैसे कि ओडिशा हो गया, ओडिशा शैली हो गई, गुजरात शैली हो गई, राजस्थान शैली हो गई, बुंदेलखंड शैली हो गई, यहाँ पर ये सारी शैलियाँ आपको क्षेत्रवाइज यहाँ पर विकसित होना शुरू हो जाती हैं। इन स्थानों में 8 से लेकर 13वीं शताब्दी तक कई सारे महत्वपूर्ण मंदिरों का विकास भी किया गया, निर्माण किया गया। और वहीं इसी दौर में अगर हम दक्षिण भारत की बात करते हैं तो यहाँ पे चालुक्य, पल्लव, राष्ट्रकूटकालीन, चोल युगकालीन स्थापत्य अपने वैशिष्ट्यता के सामने यहाँ पर उभर कर आते हैं। तो ये बेसिकली आपको इनके बारे में भी पता होना चाहिए कि उड़ीसा, गुजरात, राजस्थान, बुंदेलखंड शैली क्या है और चालुक्य, पल्लव, राष्ट्रकूटकालीन, चोलकालीन स्थापत्य क्या है। तो इसको लेकर एक अलग से वीडियो लेकर आएंगे, उनके बारे में भी, मंदिर के बारे में डिस्कस करेंगे, लेकिन फिलहाल यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है उनको देख लिया हमने। जाते जाते मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ और भी, जो बेसर शैली का जो मंदिर कैसा दिखता है वो भी मैं आपको यहाँ पर देखिए दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पर आमलक है सबसे ऊपर, आप देख सकते हैं एक गुम्बदनुमा का आकृति है। इसके अलावा आमलक यहाँ पे सबसे ऊपर है, शिखर की ये स्थिति है, ये विमान उनका होता है, ये गर्भगृह है और यहाँ पे आपका सबसे पवित्र स्थल इसे माना जाता है। ये यहाँ पे बनाया गया उनका मंडप है, इस एरिया में देख सकते हैं यहाँ पे आपको मंडप बना हुआ है और ये इनका चबूतरा होता है या मंच जिसे हम यहाँ पर कहते हैं। तो ये ओवरऑल आपका नागर, द्रविड़ और बेसर शैली के बारे में मंदिर वास्तुकला को हमने यहाँ पर डिस्कस किया है। तो मंदिर स्थापित को लेकर ये हमारा ये पहला जीएस बूस्टर वीडियो है। नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही विशेष टॉपिक्स को लेकर जो कि परीक्षा उपयोगी यहाँ पर होंगे 2024 के लिए। तो वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा और पढ़ने की अपनी शैली को भी कुछ ऐसे ही विकसित करना है कि की पॉइंट बनाइए, क्या पूछा जा सकता है उस पर ध्यान दीजिए, फोकस बनाइए, साथ ही साथ थोड़ा सा इन्फोग्राफिक या इमेज जैसी चीज़ें हैं उनको साथ साथ देखते चलिए, मैपिंग का यूज़ करो जिससे चीज़ें जो पढ़ रहे हो वो आसान होता चले। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक और टॉपिक के साथ। इसको देखिएगा, रिवीजन जरूर कर लीजिएगा और अगले वीडियो के लिए यहाँ पर मिलेंगे तो कुछ और टॉपिक्स के बारे में आपको बताऊंगा। थैंक यू सो मच एंड गुड लक।